आप सभी का दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है बिजनेस अशर। और यहाँ पे हम इतर और परफ्यूम से रिलेटेड बात करते रहते हैं, खुशबुओं से रिलेटेड बात करते रहते हैं। आज दोबारा से कनेक्टेड है हम रचित भाई के साथ, जो कन्नौज के अदर एसेंशियल ऑयल, एरोमेटिक ऑयल के मैन्युफैक्चरर हैं। और आज जो सबसे अच्छी बात है वो अपनी फैक्ट्री से ही हमारे साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो रचित भाई, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। जी राम भाई, और मैं आपका भी स्वागत करता हूँ आज अपनी फैक्ट्री में, और बाकी सब्सक्राइबर का भी स्वागत करता हूँ अपनी फैक्ट्री से ही। जी जी, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारा जो है ऑफिशियल या मतलब बाकी अदर जगह से वीडियो शूट हो पाता था, रेगुलर इस जगह से शूट नहीं हो पाता था। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने सोचा आज काम भी था, तो मैंने कहा इसी बहाने पर ये भी काम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है रजित भाई। और दिवाली पे सभी दर्शकों का इतना प्यार मिला, इतनी क्वेरीज आई, और बहुत ही अच्छा लगा कि इस बार पिछली बार से भी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है सभी का। और दिवाली के जो भी हैवी डिस्काउंट्स रहे हैं उसका लोगों ने बहुत भरपूर फ़ायदा उठाया है। उसके बाद भी आपने जैसे ही बताया था, काफ़ी लोगों के कॉल और मैसेजेस आए हैं कि हम लोगों से ऑफर मिस हो गया, हम लोग बिजी थे घर के फंक्शन से या किसी चीज़ में, तो क्या ऑफर मिल सकता है? तो उसके लिए आपने कहा था अब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड स्टॉक रेडी करके रखा था कि ठीक है हम लोग सेल ज़्यादा करेंगे, मार्जिन बिल्कुल ही कम रख के करेंगे। इतना ज्यादा मतलब रिस्पांस था। जी जी, आपने बताया था कि मैंने आपसे पूछा था कि क्या चल रहा है, स्टेटस क्या है, तो आपने बताया था कि अगर वो और भी दो चार चीजें वो मिलेंगी नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। जी, ये अच्छी चीज़ है कि रिस्पांस सबका अच्छा रहा नेचुरल अदर को लेकर के, क्योंकि लोग आर्टिफिशियल चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, लोग जो चाइनीज लड़ियाँ हैं उसके पीछे ज़्यादा भागते हैं। आपको दिया भी खरीदना चाहिए, क्योंकि दिया इस देश के कल्चर से रिलेटेड है, और इससे ये देश का कल्चर को आप प्रमोट करेंगे तो ज़्यादा चीज़ अच्छी रहेंगी, और गरीबों का भी उससे मतलब फ़ायदा होता है। तो इसी तरीके से अगर आप नेचुरल अदर की तरफ जाते हैं, पहले तो आपको समझ आएगा कि होता क्या है, और इतना पुराना ट्रेडिशन है इंडिया का, और जो बेचारे लोग हैं जो इससे लेबर रिलेटेड हैं, और बहुत सारे लोग रिलेटेड हैं, किसान भी इससे रिलेटेड है जो फूल उगाते हैं, लेबर है जो यहाँ काम करते हैं, तो ये इंडस्ट्री से बहुत लोगों का भी भला होता है, और आपको एक नेचुरल चीज़ मिला है। तो रचित भाई, आज आते हैं डायरेक्ट हमारे पॉइंट पे वीडियो में, आज जो हम कनेक्टेड हैं, आज किस विषय में बात करने जा रहे हैं? राम भाई देखिए, पहले तो मैं आपको चीज़ बताऊं, हमारे जस्ट पीछे जो है हमारा प्रोडक्शन चल रहा है, हमारा गुलाब इत्र का और गुलाब जल का, आप जस्ट मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, प्रॉपर प्रोसेस तरीके से प्रॉपर फुल्ली ऑपरेशनल हमारी फैक्ट्री है, और डेग भी चल रही है, और मतलब प्रॉपर ऑपरेशनल है सब कुछ, उसमें अभी चल रहा है, स्टार्टिंग ही हुई है अभी 11:30-12 के लमसम, मैंने आपसे बोला था जी। तो वो चीज़ चल रही है, उसमें गुलाब जल जो हम टॉप क्वालिटी का बनाते हैं वो बन रहा है, और हमारा गुलाब अतर सुपर सिल्क और सुपर शाही ग्रेड का बन रहा है जस्ट हमारे पीछे। हाँ, अब राम भाई हम आते हैं, हाँ अब हम आते हैं कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले वो है हमारा चमेली अतर सुपर सिल्क। अभी तक क्या होता था कि हमारा जो चमेली अतर में था वो हम सिर्फ शाही ग्रेड तक ही हमारा था, लास्ट टाइम हमने जब बात की थी तो शाही अतर तक ही हम सिर्फ बनाते थे, हमने R&D कंप्लीट की, तो हमारा सक्सेसफुल रहा वो सिल्क और सुपर सिल्क ग्रेड में भी, सुपर शाही ग्रेड में भी सक्सेसफुल रहा। तो आज हम हमारा जो टॉप क्वालिटी है चमेली का, उस पे उस टॉपिक पे ही हम बात करना चाहते हैं। जब भी खुशबुओं का नाम आता है रजित भाई, तो जैसे अगर मैं गिने-चुने फूलों के नाम भी बोलूँ, तो सबसे पहले तो गुलाब आता है, उसके बाद गेंदा आता है, कमल आता है, चंपा, चमेली, ये सारे नाम सबसे पहले ही अपन जानते हैं। आज चमेली के बारे में बात करने जा रहे हैं। चमेली का जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है रजित भाई, चमेली का जो तेल होता है उसको जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, इसमें इसको सिंदूर में मिला करके हनुमान जी को लगाया जाता है। तो ये जो अभी आप चमेली इत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये मैं पूछना चाहूँगा, इसकी खुशबू जो है वह तो बिना सूंघे किसी को एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा ढंग से, कि नेचुरल जो चमेली की खुशबू है क्या होती है, बट आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे खुशबू होती कैसी है, और कहाँ कहाँ इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। राम भाई देखिए, मैं इस अतर के बारे में कुछ बात करने से पहले दो तीन चीज़ें पहले बताना चाहता हूँ। देखिए, पहले क्या है, हमारा जो कल्चर रहा है, मतलब आप चाहे हमारा यूथ ले लो, तो यूथ में ही ज़्यादा ये चीज़ प्रॉब्लम है, उसमें लोग बोलते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपने चमेली अतर यूज़ किया तो बोलेंगे क्या यार चमेली के तेल ऐसा लगा के आए हो, या इस टाइप का क्या चीज़ है ये चीज़, तो एक तरीके से वो उसको ना डाउन ग्रेड कर दिया गया है, जो जिस बारे में जो इसके बारे में अच्छी परख रखते हैं वो तो यूज़ करते हैं बेस्ट तरीके से। तो चमेली में ऐसा नहीं है कि वो चमेली बहुत गंदी स्मेल है, वो प्रॉपर एक अच्छी स्मेल है, प्रॉपर हमारा जो है नेचुरल सोर्सेस फूल से ही बना हुआ है,
अब इसकी अगर हम खुशबू की बात करें तो इसकी खुशबू राम भाई थोड़ी सी देखिए शार्प होती है, थोड़ा तीखापन होता है खुशबू में, लेकिन फ्लोरल बहुत होती है खुशबू, ये फ्लोरल खुशबू बहुत होती है, मीठापन भी होता है इसमें खुशबू में। बस क्या होता है जब आप जैसे आप हैंड पे लगाते हो इसको, हैंड पे आपने लगाया तो जैसे ही आप इसको सूंघोगे ना तो थोड़ा आपको शार्पनेस के साथ स्वीटनेस मिलेगी। बाकी खुशबू बहुत प्यारी होती है, सोंधापन भी खुशबू में होता है। अगर आप एकदम बंचेस ऑफ फ्लावर्स देखते हो तो आपको बहुत सोंधापन, एक बहुत ही अच्छा एक माइंड को काम रिलैक्स करने वाली खुशबू इसकी होती है। पर्सनली मुझे तो अच्छी लगती है, बाकी लोग किस वजह से इसको देखते हैं वो मुझे नहीं कह सकता, लेकिन ये बहुत अच्छी खुशबू होती है इसकी। राम भाई देखिए नेचुरल और सिंथेटिक अगर हम चमेली की बात करते हैं तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। सिंथेटिक चमेली में इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी अगर आप बॉडी पे लगा दो तो बॉडी को तो हार्म करते ही हैं, पर आप बॉडी पे लगाने के बाद उसको स्निफ करते हो या उसको सूंघते हो या एक एज अ नेचुरल रिसोर्सेज के तरीके उसको यूज़ करते हो तो वो कैंसरस भी हो सकता है इन फ्यूचर। इतने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं चमेली में, हमारे पास पूरी चीज़ें होती हैं ऐसी, हमारे पास आती भी है काफ़ी चीज़ें कि आप हमारा ये यूज़ कर लो, वो इतने आप समझो इतने हार्मफुल चीज़ें होती हैं, अगर आप प्लास्टिक में उसे रख दो तो प्लास्टिक को एकदम मेल्ट कर देगा वो कुछ दिन बाद, इतने हार्म केमिकल होते हैं। और हमारा जो भी अतर राम भाई होता है या आपने जो भी अभी रिव्यूज़ देखे होंगे, अभी रिसेंटली लोगों ने रिव्यूज़ अपलोड भी किए हैं अपने, हमें दिए भी हैं, हम सारी चीज़ें बिल्कुल नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी चीज़ होती है वही हम यूज़ करते हैं, बाकी हमारा किसी भी चीज़ में कोई अदर एडिटिव नहीं होता कि हम कुछ भी चीज़ उसमें ऐड करें। मैं देखिए डिमांड की तो जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि देखिए नेचुरल में कभी किसी की कोई एकदम ऐसी प्रेफरेंस नहीं कि फीमेल ही यूज़ करेगी मेल यूज़ करेगी कुछ प्रोडक्ट्स को छोड़ के। अब चमेली में क्या है जो जैस्मिन है, जैस्मिन में फीमेल क्लाइंट्स भी हैं जो काफ़ी जैस्मिन पसंद करती हैं, बट वो प्रॉपर नेचुरल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पता चला केमिकल वाला है तो वो किसी काम का नहीं होता। तो और बाकी देखिए हमारा जो एक इंडस्ट्री है सो कॉल्ड हमारी पान मसाला इंडस्ट्री जो भी है सब में तो उसका यूज़ होता ही है, थोड़ा हल्का फुल्का चीज़ों का यूज़ होता है इसमें, तो बाकी लगाने के पर्पज़ से। और बाकी हमारा जो है जो हनुमान जी के ऊपर लगता है सिंदूर के साथ मिला के, तो उसके साथ भी इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है, उन पर चढ़ाने के काम आता है। तो जैसे कि रजित भाई मैं समझ पाया हूँ जो भी हमारे भक्त हैं जो भी मतलब जो ईश्वर को मानते हैं हिंदू धर्म की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हनुमान जी को जो चमेली का तेल चढ़ाया जाता है वो सिंथेटिक रहता है। अब आप कहते हैं कि भगवान की मूर्ति पे फर्क भी क्या पड़ना है, देखिए चीज़ों को समझिए, कोरोना के बाद से चीज़ें ज़्यादा नेचुरल की तरफ हम लोग गए हैं। आपने आराध्य को मानते हैं ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर को आप ये मत देखिए कि आपकी भावना क्या है, आप अपने बच्चे को कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं देंगे जिसमें केमिकल भरा हो क्योंकि आपका उनसे लगाव है। तो ईश्वर को भी बेशक थोड़ा सा ही चीज़ लीजिए, जो मेरा रजित भाई से जुड़ने के बाद अनुभव रहा है कि चाहे थोड़ा सा लगाओ बट नेचुरल चीज़ों की तरफ जाओ, क्योंकि पहली चीज़ अगर आप ईश्वर को टीका लगाते हैं चंदन चढ़ाते हैं या फिर जो भी श्रृंगार करते हैं वो आपके फिंगर से बार बार टच हो रहा है, ठीक है आपको शॉर्ट टर्म में कोई हानि नहीं है बट हो सकता है आने वाले समय में कुछ हानि हो। और नेचुरल की तरफ क्या है, नेचुरल इंडस्ट्री भी इससे मोटिवेट होगी नेचुरल चीज़ों को बनाने के लिए, क्योंकि अभी देखिए कुछ टाइम पहले क्या हुआ था आपने भी सुना होगा, गीता प्रेस गोरखपुर जो हमारी बहुत प्राचीन बहुत पुरानी है, लोगों ने पढ़ना बुक खरीदना कम कर दिया था, ई बुक्स आ गई हैं और वो बंद होने की कगार पे आ गई थी, वो तो वो सपोर्ट की वजह से वो चल रही है। तो जो हमारी विरासत है हेरिटेज अदर इंडस्ट्री इसको भी प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ क्वालिटी भी तो अच्छी मिल रही है ना, बिल्कुल नेचुरल इतनी मेहनत से बन के आ रही है। तो मेरा सजेशन यही है चाहे छोटा लीजिए, क्योंकि मैं भी पर्सनली अब यही चीज़ कर रहा हूँ, हनुमान जी के लिए जो आप सिंदूर में मिलाते हैं तो वो आप नेचुरल जैस्मिन का ही प्रयोग करिए ऑयल का। जी 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 अब इसमें बाकी राम भाई अब बाकी जैसे अब हमारा इसमें सुपर सिल्क और सिल्क ग्रेड भी ऐड हो गया है इसमें जी, तो अब क्वालिटी और ही फाइन हो गई है पहले से और फाइन हो गई, और पहले से आपको एक जो प्रॉपर एक बंधी हुई खुशबू जैसे हम बोल सकते हैं वो हमें मिलेगी इसमें। और मेरे पास एक नेचुरल सुपर सिल्क का अभी अंडर प्रोसेस ही है, मैं आपको दिखाता हूँ चमेली अदर नेचुरल सुपर सिल्क का, ये हमारा रहेगा
ये भी प्लास्टिक की बॉटल में, अभी ये आपको थोड़ा सा वैसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी इसमें थोड़ा पानी है, तो अभी ये लेदर की बॉटल में जाएगा तो पानी इसका सब उड़ जाएगा, बाकी ऑयल ऑयल इसमें रहेगा। तो ये हमारा है चमेली अतर सुपर सिल्क, इसके साथ ही आता है सुपर शाही और सिल्क, ये बाकी ग्रेड्स इसमें अब आपको मिलेंगी। तो रशीद भाई मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने भी जिक्र करा सिल्क और सुपर सिल्क ग्रेड के बारे में, तो ये सिल्क और सुपर सिल्क जो ग्रेड है, क्या इसमें भी आप जो ये चमेली का फूल है इसकी रूह यूज करते हैं? हाँ राम भाई, इसमें भी इसकी रूह यूज होती है। ठीक है, इससे लास्टिंग में कितना फर्क पड़ता है? आम लास्टिंग में तो, हाँ लास्टिंग में तो राम भाई देखिए, इसमें लास्टिंग में आपको फर्क मिलेगा डेफिनेटली। जैसे कि अभी हमने जो गुलाब में ट्राई किया तो गुलाब में काफ़ी अच्छा सबका रिस्पांस रहा है कि सुपर सिल्क और सिल्क में आपका काफ़ी देर लास्ट करता है, एक नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू आगे सिंथेटिक अगर आप जाते हो तो उसका तो कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके अगर सुपर सिल्क के ग्रेड में बात किया तो बहुत अच्छा वर्क करता है, प्रोजेक्शन भी बहुत अच्छा आता है, लास्टिंग भी खूब अच्छी आती है, तो वो बहुत मच बेटर है। बाकी हमारा जो सुपर शाही है और शाही है 960 गोल्ड है, अगर आप लास्टिंग और एक अगर अच्छी क्वालिटी वाइज अगर बात करते हो। तो रशीद भाई जैसे कि आपने भी ये सारी ग्रेड्स के बारे में बताया, लास्टिंग बताया, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये आपका हमारा ये जो इसका सुपर सिल्क और सिल्क वर्जन आपने निकाला है, इसमें दोनों में सिल्क और सुपर सिल्क में, क्योंकि ये कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सिल्क और सुपर सिल्क में क्या डिफरेंस रहता है आपके? देखिए उसमें राम भाई जब हम किसी भी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, अब जैसे आज हम बात कर रहे हैं चमेली सुपर सिल्क और सिल्क की, देखिए मेन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल सुपर सिल्क की अगर हम बात करें तो हम उसमें यूज़ करते हैं फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट जो चमेली का होता है और हमारा होता है सैंडलवुड का बेस, ठीक है। अब फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट क्या होता है, जो प्रॉपर उस वक्त ही हम उसे डिस्टिल करते हैं हमारा फ्लावर से, और बेस हमारा साथ में होता है सैंडलवुड, ठीक है। तो उसमें हमारा कोई ऐड नहीं होता, कोई वाटर चीज़ वाली कोई ऐड नहीं है उसमें, सब कुछ भी ऐड नहीं है या कोई बेस के साथ मिक्सिंग नहीं है, जो भी कुछ है प्रॉपर 100% रूह है और हमारा सैंडलवुड है, ये हो गया हमारा सुपर सिल्क। अब सिल्क में क्या होता है, सिल्क में हम थोड़ा सा जब मेथड चेंज कर देते हैं, सिल्क में क्या होता थोड़ा सा हम बेस के साथ यूज़ करते हैं, मतलब इतना बेस नहीं होता कि वो सुपर शाही और शाही ग्रेड में जाता है, लेकिन थोड़ा सा यूज़ करना पड़ता है कॉस्टिंग के लिए, तो वो थोड़ा सा एक नॉमिनल उसमें आता है क्वांटिटी में, तो उसके साथ डिस्टिल होता है, तो हमारा सिल्क में आ गया। फिर बाकी हमारी जो अदर ग्रेड्स हैं सुपर शाही शाही, वो तो एकदम सब लोग जानते ही हैं, सब यूज़ ही कर रहे हैं, उसमें क्या डिफरेंस है, तो जैसे जैसे नीचे आता जाता है फिर चीज़ें बिल्कुल चेंज होती जाती हैं। तो रशीद भाई एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि जहाँ तक मुझे लगता है, अब जैसे कि कोई चमेली की बात हो रही है, किसी को चमेली ही नहीं मंगवाना, टेस्टर पैक मंगवाना है कि मैं देखना चाहूँ थोड़ा चमेली देख लिया, थोड़ा बेरा देख लिया, थोड़ा गुलाब देख लिया, तो ये जो मैं ऐड करना चाहता हूँ जो मुझे रजीत भाई ने दिया है, ये आपका टेस्टर पैक है जो अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ठीक है। ये टेस्टर पैक बेसिकली 1-1 ग्राम का है, और आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत तरीके से इस तरीके से आता है ये पैक होकर के, तो रजीत भाई ने मुझे भेजा है कि मैं इसको एक्सपीरियंस कर सकूँ 1-1 इत्र को। तो इसमें बहुत सारे इत्र हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको एक इत्र नहीं मंगवाना है, इस तरीके के छोटे छोटे टेस्टर पैक मंगवाने हैं, तो आप ये भी मंगवा सकते हैं, बट इसकी जो मिनिमम क्वांटिटी होगी वो होगी 10, कम से कम 10 मंगवाने पड़ेंगे आपको। ये देखिए आप इस तरीके का आता है, छोटी छोटी, मतलब आपको टेस्ट करना है, आप इसको हफ्ते तक लगा के देखना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2, 3-3 बूंद पर डे आप लगाइए। जैसे कि मेरे हाथ में भी ऊद है, और भी बहुत सारे इत्र हैं यहाँ पे, जैसे कि इन्होंने ये यहाँ पे ये ऊद रोज एब्सोल्यूट है ना, इस तरीके के बहुत सारे इत्र हैं, ये मेरे पास जन्नतुल फिरदौस है, तो इस तरीके के भी आप पैक मंगवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल मिल जाएगी, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रशीद भाई कुछ और ऐड करना चाहते हैं आप चमेली अतर के बारे में? चमेली अतर के बारे में देखिए राम भाई, इसमें ऐड तो मैं ऐसा कुछ नहीं करना, बस मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप कोई भी अतर यूज़ करते हैं जी, तो उस अतर की आप प्रॉपर रिस्पेक्ट करो, उसको एज रिस्पेक्ट के साथ देखो, जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी मेहनत को आप देखो, कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ करते हैं, उस हिसाब से आप देखो तब तो आप यूज़ करो। जैसे बंदा बोलने जा रहे चमेली अतर है, चमेली का तेल लगा के बन रहा है, ये वो सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, जो बंदा मेहनत करता है तो उसे भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो वो मैं रिपीट करता हूँ बार बार, तो एक आपको नहीं यूज़ करना वो एक आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन ये सब चीज़ें ठीक नहीं लगती कि आप कह रहे हो अच्छा नहीं है, क्या लगा के घूम रहा है, क्या बना है क्या नहीं बना, तो वो सब चीज़ें जैसा आप प्राइस देते हो उसी हिसाब से हमारा प्रोडक्ट। ठीक है,
तो मेरी यही गुजारिश है सभी दर्शकों से भी कि चमेली को उस चमेली तेल की तरह बिल्कुल ना लें जो मार्केट में मिलता है और बालों में लगाते हैं या फिर हनुमान जी को आप चढ़ाते हैं उसमें सिंदूर मिला के। आप एक बार नेचुरल ट्राई करके देखिए, आपको बिल्कुल, अगर आपको खुशबू अच्छी लगती है तब तो आपको डिफरेंस समझ आएगा। अगर आप खुशबू आपके लिए सारी बराबर है, सिंथेटिक हो, केमिकल वाला हो या फिर नेचुरल, आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो बात ही अलग है। तो इतनी सारी जो जानकारी थी रचित भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। रचित भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कनेक्ट होने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।